हेलो डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी के क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, उनके मीनिंग समझेंगे और उनको किस तरीके से सेंटेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, ये एग्जांपल्स की मदद से इसको भी समझेंगे। शुरुआत करते हैं आज का। देखिए, जो हमारा पहला वर्ड है ये वर्ड है इज़ोट्रिक। इज़ोट्रिक जो वर्ड होता है इसका यूज़ हम करते हैं किसी ऐसी चीज़, किसी ऐसे कॉन्सेप्ट या फैक्ट को रेफर करने के लिए जिसको पीपल इन जनरल समझ नहीं पाते, मतलब जो सारे लोग उसको समझ नहीं पाते वो कुछ लोगों के द्वारा ही समझा जा सकता है, कुछ ही लोग होते हैं जो उसको समझ पाते हैं, तो इसका मतलब होता है इज़ोट्रिक। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखें इंग्लिश में तो इसका एक तो सिनोनिम हो जाएगा अब्स्ट्रूज, एक इसका सिनोनिम प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब समथिंग विच इज नॉट जनरल, विच इज नॉट पब्लिक, ठीक है, जो प्राइवेट है, कुछ ही लोग उसको समझ पाते हैं। जैसे कोई राजनीति का बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है या कोई स्पोर्ट्स का कोई ऐसा टर्म है जिसको सारे लोग नहीं समझते, तो इज़ोट्रिक हो गया। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक, एक मिनट बच्चों, क्रिप्टिक। डिफिकल्ट, ठीक है, अब्स्ट्रूज हो गया, प्राइवेट हो गया, क्रिप्टिक हो गया, डिफिकल्ट हो गया। एक इंग्लिश में और अच्छा वर्ड होता है रेकंडाइट, रेकंडाइट। रेकंडाइट का मतलब भी यही होता है कि कुछ ऐसा विच इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको सब नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग समझ पाते हैं, ज्यादातर लोग उसे समझ नहीं पाते, तो ये होता है इज़ोट्रिक का मीनिंग। एग्जाम्पल देखिए, सम वर्सेज ऑफ द बाइबल कैन बी अ बिट इज़ोट्रिक, मीनिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और हिडन, कि कुछ वर्सेज जो बाइबल की हैं वो इज़ोट्रिक हो सकती हैं, मतलब आप उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या समझना है। तो कोई भी ऐसी चीज जो पीपल इन जनरल इसे नहीं समझ पाते हैं, कुछ ही लोग उसको समझ और एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं इज़ोट्रिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्बिट। अच्छा, फर्बिट जो वर्ड होता है ये बहुत कॉमन वर्ड है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बड़ा कॉमन वर्ड है। फर्बिट का मतलब होता है समवन हु हैज पैशन अबाउट समथिंग, हु इज पैशनेट, तो ये इसका मतलब होता है। अगर हम फर्बिट के सिनोनिम्स देखें तो पैशनेट, आर्डेंट, एविड, जेलस, ठीक है, तो पैशनेट हो गया। फर्वेंट एक वर्ड होता है, आप वो भी लिख लीजिए, तो फुल ऑफ पैशन। फर्विड इज समबडी हु इज इन हाई स्पिरिट, जो बहुत हाई स्पिरिट में है, फुल ऑफ पैशन है, फुल ऑफ एंथुजियाज्म है, ठीक है, वो हो गया फर्विड। एग्जाम्पल देखिए इसका, द कोर ऑफ देयर क्रिएट इज अ फर्विड बिलीव इन द इनफेलिबिलिटी ऑफ कैथोलिक इंस्टिंक्ट, जो कैथोलिक इंस्टिंक्ट है उसमें उसकी जो इनफेलिबिलिटी है, इनफेलिबिलिटी का इनफेलिबल का मतलब तो जो कभी फेल ना हो, जो कभी गलत ना हो, तो उन लोगों की जो क्रीड है, उनका जो अपना दल है, उनका जो अपनी क्रीड है, ठीक है, उसका जो कोर है वो किस चीज में लाई करता है, उनकी मान्यता में। कैसी मान्यता? फर्विड, पैशनेट, मतलब जो विद पैशन जिसको मानते हैं बिलीफ को, क्या बिलीफ है, इन द इनफेलिबिलिटी ऑफ कैथोलिक इंस्टिंक्ट, कि जो कैथोलिक इंस्टिंक्ट है वो इनफेलिबल है, मतलब वो कभी फेल नहीं होगा, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो वो इस बात को, इस बिलीव को बड़े पैशन के साथ बिलीव करते हैं, यही उनका कोर है। नेक्स्ट वर्ड आ गया एक्सोनरेट। एक्सोनरेट जो वर्ड होता है ये भी कॉमन वर्ड है। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, रिलीज कर देना, फॉरगिव कर देना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इनके आपको बताता रहता हूं साथ ही साथ में, जिससे कि अगर आप कभी इनका यूज किसी सेंटेंस में करना चाहें तो सही तरीके से कर पाए। इज़ोट्रिक वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, फर्विड वर्ड भी एडजेक्टिव है, एक्सोनरेट वर्ड जो है ये आपका वर्ब है, वेनल वर्ड भी एडजेक्टिव है। अब इनके मीनिंग समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, फॉरगिव कर देना, इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें, रिलीज, लेट ऑफ, एब्सॉल्व, अक्विट, एक्सक्यूज, ये इसके आपके सिनोनिम्स हो गए, रिलीज, लेट ऑफ, एब्सॉल्व, अक्विट, एक्सक्यूज, विंडिकेट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इनका मतलब किसी को माफ कर देना, उसकी गलती को फॉरगिव कर देना, पनिश नहीं करना उसके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, However, the Hire Purchase Act 1964 does not exonerate the seller from any liability under the finance agreement. कि जो Hire Purchase Act है 1964 का, ठीक है, वो seller को exonerate नहीं करता, acquit नहीं करता,
ठीक है, बरी नहीं करता। किस चीज से बरी नहीं करता? फ्रॉम एनी लाइबिलिटी अंडर द फाइनेंस एग्रीमेंट। अगर फाइनेंस एग्रीमेंट के अंडर उसकी कोई भी लाइबिलिटी बनती है तो उसको वो अपनी लाइबिलिटी सेटल करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो एक्ट है ये उसमें उसको छूट नहीं करता, उसमें उसको माफी नहीं मिलती। नेक्स्ट देखिए वेनल। वेनल वर्ड का मतलब होता है अ पर्सन विच इज इजिली करप्टेबल, जिसको इजिली करप्ट किया जा सकता है। मतलब जो बाई नेचर डिसऑनेस्ट है, करप्ट पर्सन है, उनके लिए इस एडजेक्टिव का यूज होता है। तो वेनल का सिनोनिम आप लिख देंगे करप्ट। ठीक है, वैसे मैं आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग बता देता हूं। वेनल जो वर्ड है इसका मतलब, ये ग्रीक वर्ड है एक्चुअली, इसका ओरिजिन जो है ना, तो इसका मतलब होता है अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल, कुछ ऐसा जो बिकने के लिए अवेलेबल है कि आप उसको खरीद सकते हो। तो इसका मतलब जब हम इसका किसी पर्सन के रेफरेंस में इसका यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो डिसऑनेस्ट पर्सन है, उसमें कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, उसमें कोई सिद्धांत नहीं है। मर्सनरी काइंड, कि आपने पैसा दिया तो आपके साथ हो गया, मतलब इजी टू सेल, जो बिकने के लिए तैयार है। तो करप्ट हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, अनप्रिंसिपल्ड। ठीक है, अनप्रिंसिपल्ड का मतलब हो गया कि ऐसा पर्सन जिसके कोई प्रिंसिपल नहीं, जिसके कोई नीति सिद्धांत नहीं है। ठीक है, एक और इंग्लिश में वर्ड होता है शेडी, SHADY, शेडी। शेडी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो वेनल का मतलब है करप्ट, डिसऑनेस्ट, अनप्रिंसिपल्ड, अनप्रिंसिपल्ड और शेडी। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, हिज जील फॉर द टोटल एंड करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द शरिया एंड हिज इम्पेशेंस विद वेनल स्कॉलर्स। वेनल का मतलब करप्ट स्कॉलर्स, जो करप्ट स्कॉलर्स हैं। ठीक है, इज अंडरस्टैंडेबल। तो उसकी जो जील है, उसका जो उत्साह है, ठीक है, टोटल और करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ शरिया, जो शरिया है, जो मतलब मुस्लिम लॉ होता है, ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं पता बट मुस्लिम लॉ होता है शायद शरिया, तो उसका जो टोटल और करेक्ट एप्लीकेशन है वो उसको लेकर उत्साहित है। मतलब उसमें उत्साह है कि इसका शरिया का एप्लीकेशन हो, टोटल एप्लीकेशन हो और करेक्ट एप्लीकेशन हो। एंड हिज इम्पेशेंस विद वेनल स्कॉलर्स, और जो करप्ट स्कॉलर्स हैं, जो गलत इंटरप्रिटेशन शरिया का करते हैं, ठीक है, उनको लेकर उसके अंदर गुस्सा है। इम्पेशेंस का मतलब उन पे उसकी नाराजगी है, और इस बात को समझा जा सकता है कि वो वेनल जो स्कॉलर्स हैं उनको लेकर वो नाराज क्यों है, उनके साथ में उसको गुस्सा क्यों है, तो ये समझा जा सकता है क्योंकि वो करेक्ट और टोटल एप्लीकेशन ऑफ शरिया में बिलीव करता है। तो जो वेनल स्कॉलर्स हैं, जो करप्ट स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उनको लेकर उसके अंदर नाराजगी है। नेक्स्ट देखिए कनाइवेंस। अब देखिए कनाइवेंस वर्ड जो होता है, कनाइव का मतलब होता है किसी का, पर्सन का किसी गलत काम में साथ देना, कि कोई पर्सन कुछ गलत कर रहा है और हम उसमें उसका साथ दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं कनाइव करना। ठीक है, कनाइवेंस का मतलब होता है गलत का साथ देने का काम, मतलब द एक्टिविटी ऑफ हेल्पिंग समबडी इन सम क्राइम। ठीक है, इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें तो कॉल्यूजन, स्कीमिंग। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने कॉल्यूजन वर्ड लिखा है, ठीक, कॉल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत। एक वर्ड होता है कॉल्यूजन, कॉलिजन, COLLISION, कॉलिजन का मतलब टक्कर होती है, भिड़ंत होता है। ठीक है, ये है कॉल्यूजन, COLLISION, कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत। ठीक है, आप यहां पे एक वर्ड लिख सकते हैं कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट। अबेट का मतलब होता है किसी का साथ देना गलत काम में। ठीक है, तो कनाइवेंस का मतलब होता है किसी पर्सन को गलत काम करने में उसका साथ देना। एग्जाम्पल देखिए, बाय द कनाइवेंस ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनकी मिली भगत के द्वारा 54,000 अफ्रीकन्स कंटिन्यू टू बी एनुअली इंपोर्टेड। 54,000 जो अफ्रीकन्स हैं वो हर साल इंपोर्ट किए जाते हैं, मतलब गैर कानूनी तरीके से उनको बाहर भेजा जाता है। ठीक है, तो कैसे भेजा जाता है? By the connivance of the local administrative authorities, जो local administrative authorities हैं उनकी मिली भगत से। ठीक है, next देखिए accident। अच्छा, इनके मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इनका parts of speech क्या है। connivance word जो है ये noun है, इसका parts of speech है noun, और accident word जो है ये adjective है। ठीक, अब इनके meaning देखिए। accident का मतलब होता है something which is very important to do, कुछ ऐसा जिसको करना बड़ा जरूरी है, जिस पे जल्दी एक्शन लेना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आप इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, क्रूशियल, क्रूशियल, क्रिटिकल, अर्जेंट, डिमांडिंग, नीडफुल, अर्जेंट,
अच्छा अर्जेंट लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सीजेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज नेसेसरी, कुछ ऐसा जिसको नेसेसरी है करना, मतलब इंपेरेटिव। एक वर्ड यहां पे आप लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब मैंडेटरी, आवश्यक। तो कुछ भी ऐसा जिसको तुरंत डील करना, जिस पे तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सीडेंट। एग्जाम्पल से समझिए, द ड्राउट मेड वाटर एन एक्सीडेंट कंसर्न फॉर द रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है, कि जो सूखा था, सूखे की वजह से जो लोकल गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है, उसके लिए जो वाटर है वो एक्सीडेंट कंसर्न बन गया, तुरंत डील करने वाली चिंता बन गया। कंसर्न का मतलब सम इशू दैट मेक्स यू वरीड, ठीक है, कुछ चिंता का विषय। और एक्सीडेंट का मतलब अर्जेंट, कि सूखा पड़ गया तो सूखे की वजह से पानी की कमी हो गई, तो अब लोकल जो गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिमांडिंग उस समय कंसर्न क्या हो गया, वाटर, कि वाटर की सप्लाई कैसे की जाए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पेनोरियस। पेनोरियस वर्ड जो होता है ये थोड़ा सा ज्यादा कॉमन तो नहीं है, ये नहीं कह सकते कॉमन वर्ड है, ज्यादा एग्जाम्स में आता है, बट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेनोरियस वर्ड का मतलब होता है पेनीलेस, कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा पुअर है, वेरी पुअर, इसका मतलब होता है वेरी पुअर, पेनीलेस। पॉपर, ठीक है, इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो पेन्यूरियस वर्ड का मतलब होता है समवन हु इज वेरी पुअर, जो बहुत गरीब है। अच्छा, इसके साथ साथ में इसका एक मतलब और भी होता है, कंजूस, मीन, स्टिंजी, मीन। तो ये हो गया आपके पेन्यूरियस का मतलब, ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल देखिए, द मैन वुड लिव इन द मोस्ट पेन्यूरियस मैनर, यहां पे पेन्यूरियस का मतलब स्टिंजी है, कंजूसी वाले तरीके से, कि वो जो मैन था वो रहा करता था बहुत पेनोरियस मैनर से, मतलब बहुत कम खर्चा करके, मतलब रहता था, बिना कोई खर्च किए रहता था। एंड डिनाइड हिमसेल्फ एवरी इंटेलिजेंस, और वो खुद को डिनाई करता था हर एक इंटेलिजेंस से, मतलब किसी चीज़ में वो इंडल्ज, मतलब रुचि नहीं लेता था, एंटरटेनमेंट हो गया, पार्टीज हो गई, शान शौकत हो गया, इसमें वो अपने को इंडल्ज नहीं करता था, इन चीज़ों से दूर रहता था, और बड़ा ही मतलब गरीबी वाले टाइप से जिंदगी जीता था। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट। अच्छा, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखिए, मैं आपको बताता हूं। पेनोरियस वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, और प्रोसेक वर्ड जो है ये भी एडजेक्टिव है, ये दोनों वर्ड ही एडजेक्टिव है। प्रोसेक का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि बड़ा कॉमन है, साधारण है, ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं है उसके बारे में। इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें, देखिए बैनल एक अच्छा वर्ड होता है इंग्लिश में, बैनल, ठीक है, अनऑरिजिनल, अनऑरिजिनल, ठीक है, ट्राइट, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी। तो बैनल हो गया, अनऑरिजिनल हो गया, ट्राइट हो गया, कॉमन प्लेस हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है, ये इसके संनेम से। एक वर्ड मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान रखना, एक वर्ड होता है बड़ा अच्छा इंग्लिश में, हैकनीड, हैकनीड, HACKNEYED, हैकनीड, ठीक है। एक वर्ड आप लिख दीजिए, वैपिड, यहां लिख देता हूं मैं, वैपिड, बोरिंग, बोरिंग, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो प्रोसेक का मतलब कुछ ऐसा बड़ा जो साधारण किस्म का है, जिसमें कोई मतलब खास चीज नहीं है, जैसे ऑर्डिनरी, जिसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, इट कंटेन्स टैंजरीन, एप्पल, मैंगो, पपाया, प्लम एंड डजन्स मोर फ्रूट, मतलब कोई चीज है, कोई डिश वगैरह है, कोई कॉकटेल टाइप की चीज है, उसमें क्या है, उसमें टेंजरीन है, टेंजरीन इज अ काइंड ऑफ फ्रूट, छोटा सा मतलब ऑरेंज टाइप होता है, एप्पल, मैंगो, पपाया, प्लम एंड डजन्स मोर फ्रूट्स उसमें मिले हुए हैं। अच्छा, सम एग्जॉटिक एंड सम प्रोजेक्ट। एग्जॉटिक का मतलब होता है विच इज रेयर काइंड ऑफ, मतलब जो बाकियों से हटके हो, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। तो उसमें जो कुछ फ्रूट्स हैं वो तो एग्जॉटिक हैं, एग्जॉटिक का मतलब जो हर जगह पे अवेलेबल, हर मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। अच्छा, कुछ जो है वो प्रोसेक हैं, प्रोसेक का मतलब है ऑर्डिनरी, कि जो आपको गली मोहल्ले हर ठेले पे हर दुकान में वो फ्रूट मिल जाते हैं, तो प्रोसेक का मतलब कि जो ऑर्डिनरी है, कॉमन प्लेस है, कहीं भी मिल जाते हैं, ठीक है। एग्जॉटिक का मतलब जो सब जगह नहीं मिलते हैं, रेयर है। उसके बाद आ गया एंसिलरी। एंसिलरी वर्ड जो होता है ये आपका एडजेक्टिव भी होता है, वैसे नाउन भी होता है, यहां पे हमने इसका यूज एज एन एडजेक्टिव किया सेंटेंस में, ठीक है। और रिप्रूव वर्ब, वर्ड जो है ये वर्ब है।
एंसिलरी का मतलब समझ लीजिए पहले। एंसिलरी का मतलब होता है जैसे कोई एक मेन स्ट्रक्चर है, कोई मेन चीज है, उसके साथ में जो सपोर्ट मटेरियल्स हैं या जो सपोर्टिव थिंग्स हैं उनको हम एंसिलरी कहते हैं। तो एंसिलरी का मतलब हो गया ऑक्जिलरी, प्राइमरी नहीं, ऑक्जिलरी, ठीक है। तो एंसिलरी का मतलब आप क्या लिखेंगे? ऑक्जिलरी। ऑक्जिलरी, सपोर्टिव, कोलैटरल, एसेसरी, हेल्प, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एक वर्ड लिख दिया, अटेंडेंट। तो एंसिलरी का मतलब हो गया सपोर्टिव, मेन जो चीज है, मेन जो ऑब्जेक्ट है, उसके साथ में जो सपोर्ट के लिए है, ठीक है, जो एसेसरी है, वो आपका हो गया एंसिलरी। एग्जांपल देखिए, ओवर अ फोर पीरियड, ओवर अ फोर डे पीरियड वी विल रिमूव एंड रिप्लेस द प्रोफाइल रूफिंग, कि जो प्रोफाइल रूफिंग है हम इसको क्या करेंगे, चार दिन में रिमूव कर देंगे, टुगेदर विद अदर एंसिलरी वर्क, और उससे रिलेटेड जो छोटा मोटा और काम होगा, रूफ को हटाएंगे, उसको जब रिमूव करेंगे तो उसके साथ में और जो छोटे मोटे मरम्मत के काम होंगे, एंसिलरी वर्क, वो भी करेंगे। तो एंसिलरी का मतलब सपोर्टिव, मेन नहीं, जो मेन काम है वो क्या है, प्रोफाइल रूफिंग को हटाना, ये मेन काम है, और उससे जो रिलेटेड छोटे मोटे काम होंगे वो क्या हो गया, एंसिलरी हो गया, ठीक है। फिर आ गया रिप्रूव। रिप्रूव बड़ी कॉमन वर्ड है, बहुत मतलब बहुत कॉमन वर्ब है, अक्सर पेपर में आती भी रहती है। रिप्रूव का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को डांटना, ठीक है। इसके सिनोनिम देखिए, स्कॉल्ड, शाइड, रिब्यूक, रेप्रिमेंड, कास्टिगेट, एडमोनिश, ठीक है, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो गए। रिप्रूव करना मतलब किसी को डांटना, रिब्यूक हो गया, ठीक है। एक वर्ड में रिब्यूक तो लिख दिया, एक वर्ड में और लिख देता हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे, अपब्रेड, UPBRAID, अपब्रेड, ठीक है। बीरेट, BERATE, कॉमन वर्ब है, तो इसका मतलब होता है किसी को डांटना, ठीक है, मतलब क्रिटिसाइज करना। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड नॉट हैव रिप्रूव्ड द चिल्ड्रन फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग योर स्पीच, हम किसी पर्सन को कह रहे हैं कि भाई तुम्हें बच्चों को, ठीक है, डांटना नहीं चाहिए था, रिबुक नहीं करना चाहिए था, रिप्रूव नहीं करना चाहिए था, बीच में बोलने के लिए, कोई पर्सन स्पीच दे रहा होगा, उसके बीच में बच्चों ने कुछ बोल दिया होगा, ठीक है, तो हमने उसे कहा कि बच्चों को इसके लिए तुम्हें रिप्रूव नहीं करना चाहिए था, डांटना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो ये वर्ड्स हो गए, इनके मीनिंग्स हो गए और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। तो ये जो PDF है, इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऐसे के इंग्लिश से डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं और इनके मीनिंग्स जो बताए हैं, इनका जो प्रैक्टिस सेट है, अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं सेंटेंसेस में, तो प्रैक्टिस असाइनमेंट अगर आपको इनका चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपके साथ में इनका प्रैक्टिस असाइनमेंट शेयर करेंगे, आप उनको फिर प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस, बाय, कीप लर्निंग इंग्लिश।